Hello everyone, this is Ashish Alawat and today we will be going to study about different kinds of chemical reactions. तो उससे पहले कुछ दोस्तों ने मुझसे अपील की थी कि सर कोई एक और एग्जाम्पल बता दीजिए कि जिसके अंदर हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो, तो उसी के लिए हम NCERT का ही एक बेसिक्स एग्जाम्पल उठाते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तो जो आपकी केमिकल इक्वेशन अभी हम स्टडी करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, वो क्या है? Fe प्लस H2O, और वो क्या देगा आपका? Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है ये कैसी है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हमें इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम होगा हमारा, उसमें हमें करना क्या है? स्टेप फर्स्ट में हमें सभी एलिमेंट्स को अब क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कितने एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हैं और कितने एटम्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा आपका? एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड कॉलम में हमारा क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। और जो थर्ड कॉलम होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब ये जो हैं हमारे तीनों कॉलम, अब इनमें हम क्या करना है? इसके अंदर हमारे एटम्स को हमने फिल करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके कितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आयरन है यहाँ पर, ठीक है, एक एलिमेंट हमारा कौन सा है? आयरन। दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। थर्ड कौन सा है? ऑक्सीजन। अब इसको हमें क्या करना है? इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। रिएक्टेंट साइड में देखो कितने आयरन के कितने प्रेजेंट हैं? 1। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में देखो आयरन के कितने प्रेजेंट हैं? 3। अब नेक्स्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2। क्या है? H2O में कितने हैं हाइड्रोजन? 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लिख दिए हमने हाइड्रोजन के? कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में? 2। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हाइड्रोजन के? यहाँ पर भी कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 1। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? यहाँ पर कितने? 4। तो ये हमारा काम हो गया कि हमारे जितने एलिमेंट्स थे हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया और उनके कितने एटम्स थे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हमने क्या कर दिया? उनको अब रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। अगला काम क्या होगा हमारा कि जितने भी हमारे ये जो इक्वेशन जो हमने अभी लिखी है इसको हमें क्या करना है? एक स्क्वेयर बॉक्स वाली रिप्रेजेंटेशन में अब हाँ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जो स्टेप सेकंड होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इनटू द स्क्वेयर बॉक्सेस। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, इसको क्या करना है? स्क्वेयर बॉक्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब फिर से इस इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? Fe प्लस H2O प्लस, सॉरी क्या होगा? एरो Fe3O4 प्लस H2। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है? अब बॉक्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वेयर बॉक्सेस हमने यहाँ पर अभी रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये काम जब हो गया तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप होने के बाद हम किस पर पहुँचेंगे? थर्ड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या बताया था कि अब हम क्या काम करना शुरू करेंगे? अब एलिमेंट्स को उठाएंगे और उनको बैलेंस करना शुरू करेंगे। और उससे भी पहले एक बात और हमें या क्या याद रखनी है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें से हम उस एलिमेंट को पिक करेंगे अभी बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जिसके जो एटम्स हैं वो क्या हैं? सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये तो ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, अब इसमें से हमें क्या करना है? उस एटम, उस एलिमेंट को पिक करना है, उठाना है, उसको बैलेंस करेंगे जिसके एटम्स क्या हैं सबसे ज़्यादा। तो जो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अब इसमें देखो क्या है हमारा, कौन सा एलिमेंट ऐसा जिसके एटम सबसे ज़्यादा हैं, वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम किसको लेकर शुरू करेंगे सबसे पहले बैलेंसिंग करना? ऑक्सीजन को लेकर। ठीक है, तो अभी आते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? फिर से
स्टेप थर्ड पर आएंगे। स्टेप थर्ड में आपके बार मैं टेबल नहीं इरेज करने वाला हूँ, इसी टेबल को मैं एज इट इज रखूंगा या इसी को क्या करेंगे मॉडिफाई करना शुरू करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप जब एग्जाम में इसको सोल्व करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये टेबल बार बार में ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेप वन स्टेप टू हो चुका है, स्टेप थ्री, ठीक है। तो स्टेप थ्री के लिए अभी लिखते हैं हमें काम क्या करना है। तो अभी देखो स्टेप थ्री में हमारा काम क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को अब क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर ही जाएंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड में ओनली वन, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं यहाँ पर फोर। तो हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर इसको फोर से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको फोर से मल्टीप्लाई किया तो उसी के साथ ही हमारी क्या हो जाएगी, जो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसकी भी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये जो हमारी बॉक्स वाली है तो इसमें देखो हमने चेंजमेंट कहाँ पर किया है, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, अभी फोर से मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन को। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही फोर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अभी भी हमारी जो ये केमिकल इक्वेशन है, ये जो अभी फॉर्म हुई है, ये क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। इसलिए अब भी हम इसको क्या रखेंगे, स्क्वेयर बॉक्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये काम हमारा हुआ, ठीक है। और जैसे ही ये काम हुआ तो उसके बाद देखो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस हुआ अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट और उठाएंगे इससे अगला और उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा हमें, देखो जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किस में डिफॉर्मिटी आई, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन में देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए अब हमारे, एट। लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमारे हाइड्रोजन अभी कितने दिखाई दे रहे हैं, ओनली टू। तो अब हम किसको बैलेंस करना करने का काम करेंगे, हाइड्रोजन को। तो जो आपका स्टेप फोर होगा उसमें क्या करेंगे, अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा आपका, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स, तो उनको आप बैलेंस करेंगे। तो अब देखो ये इक्वेशन थी, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, ये टेबल मॉडिफाई। तो देखते हैं क्या हो रखा है अभी। तो आयरन के अभी कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, देखो वन, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट साइड में कितने हैं आयरन के आइटम, वन। प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने आइटम्स हैं, थ्री। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, एट, फोर टू ज़ा एट, एट, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं यहाँ पर हमारे, टू। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर भी फोर हैं और यहाँ पर भी फोर हैं। अब हमें काम क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, ठीक है। तो ये देखो रिएक्टेंट साइड में हमारे हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एट, और प्रोडक्ट साइड में कितने दिखाई दे रहे हैं, टू। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे बैलेंस करना हो हाइड्रोजन को तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब प्रोडक्ट साइड में इसको कितने से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, फोर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ताकि ये क्या हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाएं। क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एट आइटम है और इधर भी एट ही लेकर आने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फोर से, ठीक है। तो ये फोर से मल्टीप्लाई करवा दिया, और जैसे ही फोर से मल्टीप्लाई करवाया तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस हुआ तो उसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को भी इसी के अकॉर्डिंग अब मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन थी लास्ट स्टेप पर, स्टेप थर्ड में, वहाँ पर आपके कहाँ पर चेंजमेंट आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4H2, ठीक है। तो इस केमिकल इक्वेशन में जो अभी 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 मॉडिफाई हुई है, यहाँ पर क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, अब केवल क्या अनबैलेंस्ड बचता है, आपके नंबर ऑफ आइटम्स कौन से अनबैलेंस बचे हैं, आयरन के। तो अब उसकी बारी आ गई, ठीक है। तो अभी देखो जो स्टेप फिफ्थ होगा आपका, वही काम करते हैं अभी, स्टेप फिफ्थ। तो स्टेप फिफ्थ में हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा, अब आपके आयरन को। तो आयरन की बारी लिख देते हैं अभी, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ आयरन। तो अगर आयरन को बैलेंस करना है तो उसी के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, अब इस टेबल को मॉडिफाई, ठीक है। तो अब ये जो मॉडिफिकेशन होगी ये किसके बिहाफ पर होगी, इस स्टेप फोर में जो हमने अपनी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन की थी उसी के बिहाफ पर, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वन, थ्री, हाइड्रोजन कितने हैं,
एट लेफ्ट हैंड साइड में, और एट ही किधर हैं आपके प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे कितने किए थे हमने बैलेंस करने के बाद, फोर, और यहाँ पर भी कितने थे, फोर। तो ये काम हो गया, अब बैलेंसिंग बच गई आयरन की, तो उसके लिए क्या करना है फिर से भाई, अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो देखो रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने आइटम्स हैं, ओनली वन। प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने आइटम्स हैं, तीन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में भी थ्री से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपके नंबर ऑफ आइटम्स जो रिएक्टेंट्स में होंगे और जो प्रोडक्ट्स में होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। और जैसे ही थ्री से मल्टीप्लाई किया तो उसी के साथ क्या हो गया, आपके आयरन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये काम होने के बाद अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कितने से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर थ्री से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए क्या बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम क्या नहीं यूज करते, स्क्वायर बॉक्सेस रिप्रेजेंट, या वो यूज नहीं करेंगे स्क्वायर बॉक्सेस को। तो अब देखो वही काम हमें करना है। तो स्टेप सिक्स, स्टेप सिक्स में आपको सिंपली क्या करना है यहां पर कि क्या लिखेंगे, या रिप्रेजेंटेशन लिख दो, या आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, ठीक है, देयर फॉर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, और या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, तो कौन सी होगी, तो अभी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो स्क्वेयर बॉक्सेस को हम हटा दो यहां से, 3Fe4H2O, Fe3O4 और 4H2, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब हमने ऑब्टेन कर ली। अब लास्ट जो स्टेप बचता है उसमें क्या बताया था कि लास्ट स्टेप हम केवल क्या करते हैं कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस की है उसमें उन एलिमेंट्स को, या जो वहाँ पर जो कंपाउंड्स यहाँ पर हैं उनको हम क्या करेंगे, उनकी फिजिकल स्टेट के भी हाफ पर भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिजिकल स्टेट के लिए क्या बताया था आप लोगों को कि हम क्या करते हैं, अगर आपका यहाँ पर कोई सिस्टम गैसेस फॉर्म में है तो जी यूज़ करेंगे उसके लिए, अगर वो एक्वस फॉर्म में है तो ए क्यू रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो देखो आयरन हमारा कैसा मिलता है, स्टेप सेवन में अब लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टेप सिक्स में आप ये इक्वेशन लिखोगे और स्टेप सेवन में आपको फिर से क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके साथ आप क्या लिखोगे, उसके सिंबल्स लिखोगे कि सिंबल्स क्या होंगे, मतलब उनकी गैस, उनकी फिजिकल स्टेट कौन सी होगी। आयरन कैसा मिलेगा आपको यहाँ, कैसा होता है नेचर में, सॉलिड H2O, ये आपका कैसा होता है, मॉइस्चर की फॉर्म में यहाँ पर होगा, ठीक है जी। Fe3O4 ये आपका ऑक्साइड बना, ये भी कैसा होगा आपका, सॉलिड। H2 जो बनते हैं कैसे मिलेगी आपको, गैस मिलेगी। तो ये हमारी क्या होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट में हमने इनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिख दी हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला जो बैलेंसिंग था इस इक्वेशन का, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी, और वो क्या थी मैं फिर से लिखता हूँ, वो क्या लिखी थी हमने इक्वेशन, Fe+H2O, उसने क्या दिया था, Fe3O4+H2। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। जब हमने डिफरेंट स्टेप्स फॉलो कर लिए तो उस डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें को क्या रिजल्ट मिला, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मिल गई। तो एग्जाम में ये हमें ये डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये CBSE में और HBSE में या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये पिछली बार वीडियो में भी बताया था। तो इसको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे एक एग्जांपल हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उस पर जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस देखो डिफरेंट टाइप, तो अभी के लिए जो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, वो आपकी कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट इस वीडियो में वो कौन सी हैं आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अभी लिखते हैं, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, तो देखते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं आपकी केमिकल रिएक्शंस की, लिखते हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखनी है। सेकंड कौन सी होगी आपकी,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो हम देखेंगे वो कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ अभी देखेंगे वो कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो अब वन बाय वन इनको देखेंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन को देखते हैं अभी, सबसे पहली कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, देखो कंबाइन, ठीक है। कॉम्बिनेशन किससे बना है आपका, किस वर्ड से आया है, कंबाइन से आया है, ठीक है। और कंबाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ने के बाद क्या बनाते हैं, मान लो आपकी दो चीजें हैं, ठीक है, ये है आपके दो हाथ हैं, ठीक है। दोनों हाथों को जब आप जोड़ते हो तो क्या मिलता है, इकट्ठा, एक बॉन्ड बना, ठीक है। मतलब दो चीजों को जब हम इकट्ठा कंबाइन करेंगे तो क्या बनती है, एक चीज बनाती है। तो सेम इसी वे में जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी उसके अंदर क्या होंगी, दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे, वो भी केवल इकलौता, ठीक है। मतलब दो कंपाउंड आपस में जुड़े और उन्हें एक इंडिविजुअल कंपाउंड बना लिया नया। तो अगर मैं इसको एक रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, कि मान लो आपका कोई कंपाउंड है ए, ठीक है, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट क्या है बी, और जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये क्या बनाएंगे, एक इंडिविजुअल कंपाउंड बना लेंगे ए बी टाइप का, ठीक है। ए अलग है, बी अलग है और इन्होंने एक क्या बना लिया, ए बी टाइप का एक इंडिविजुअल कंपाउंड बना लिया। तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे दो इंडिविजुअल कंपाउंड कंबाइन होंगे और एक इंडिविजुअल कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए लिखूं डेफिनेशन, क्या लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, इसी के भी हाफ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अ रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कि जिसके अंदर आपके दो डिफरेंट कंपाउंड्स क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। वो आपकी कैसी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। अब इसके लिए आप बहुत सारे एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से भी उठा सकते हो, जैसे कि अगर आपको क्या करना हो, कार्बन को बर्न करना, कोयल को, ठीक, कोयला, ठीक है, कोल को अगर आपको बर्न करते हो तो क्या क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, वहाँ पर ऐश मिल जाती है, ठीक है। तो सिंपली आप किसी भी चीज़ को जब बर्न करते हो वहाँ पर क्या होता है, वो सब्सटेंस प्लस क्या लगता है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है, और वो क्या करना शुरू कर देती है, उसको जलाना शुरू कर देती है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैंशन कर सकता हूँ कि कार्बन, ठीक है, कोल से, कोयले से, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, जब ये इसको हम क्या करेंगे, कोल को हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां पर ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। और लेकिन साथ ही इस रिएक्शन में जो हमने प्रोसेस लिखी है, इसमें क्या होगी, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगी, हमें हीट एनर्जी भी मिलेगी। अब जो हीट एनर्जी मिलेगी उस टाइप की रिएक्शन को हम एक और नाम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो हमने एग्जांपल लिखा है जिसके अंदर क्या हुआ, एक कंपाउंड क्या किया, एक दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया, एक नया प्रोडक्ट बना लिया इंडिविजुअल, ठीक है, दो कंपाउंड से डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और क्या बना लिया, एक इंडिविजुअल कंपाउंड बना लिया। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, लेकिन साथ में इसके क्या हुआ, एनर्जी भी निकली है। तो अगर एनर्जी मतलब हीट अगर निकली है तो उस रिएक्शन को हम क्या भी बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, कि अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके अंदर आप ये एग्जांपल दे सकते हो। और जो आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाना खाते हो, ठीक है, उसका जो आपका डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन से भी आपको क्या मिलती है, एनर्जी। तो वो भी आपकी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसी एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रोसीड करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि दो डिफरेंट कंपाउंड से कंबाइन हुए और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट उन्होंने फॉर्म कर लिया। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगला जो है
वो हमारा कौन सा होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो क्या करना है हमें, डिकम्पोज मतलब हमें, आप लोगों ने ऑलरेडी इस वर्ड को सुना है, डिकम्पोज करना, ठीक है। मतलब आपके कुछ सब्सटेंस, आपने बायो में बहुत बहुत बार ये टर्म्स सुने होंगे, डिकम्पोजिशन वगैरह, कि आपके जो बायोडिग्रेडेबल मैटर होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जब उनको जमीन में दबाया जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपके डिफरेंट बैक्टीरियाज उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। तो अगर मैं किसी रिएक्शन में डिकम्पोज वर्ड को यूज करूंगा तो वहां पर उसका मतलब क्या होगा, कि अगर आपके कोई कंपाउंड है तो वहां पर वो क्या होने वाला है, टूटने वाला है, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन कि जहां पर एक कंपाउंड क्या होगा, टूटेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब कोई कंपाउंड टूटेगा तो देखो, एक चीज है उसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, दो चीजें बनेंगी, दो से ज्यादा भी बन सकती हैं। तो सिंपली क्या है कि जब एक रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड हमारा क्या होगा, टूटेगा और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसी रिएक्शन को डेफिनेशन को अभी लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, यहां पर लिखता हूं मैं उसकी डेफिनेशन, लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, देखो लिखते हैं क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, इसमें क्या होगा कि आपका एक कंपाउंड क्या होगा, टूट जाएगा, और दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड्स को देगा, ठीक है। और सिंपलर क्यों बोला है, क्योंकि आप जो अभी एक कंपाउंड लिखने वाले हो वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, उसके कंपैरिजन में छोटे और हल्के, मतलब सिंपल टाइप के होंगे, इसलिए लिखा है सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो अभी यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल उठा सकते हैं, वो क्या है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें, हीट करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा प्लस क्या निकालेगा, CO2। तो यहां पर देखो आपका ये वाला जो कंपाउंड है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखाई दे रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, और ये क्या है आपके, सिंपलर प्रोडक्ट्स। इसलिए आपके डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज किया था, सिंपलर प्रोडक्ट्स वर्ड यूज किया था, ठीक है, जो ये सिंपलर वर्ड था इसलिए ये यहाँ पर यूज किया गया था। तो क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया हमने, तो उसने क्या दिया, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और अगर मैं इसको सिंपली एक नोटेशन फॉर्म में लिखूं तो आप हमको क्या भी कर सकते हो कि ये आपका मान लो कोई कंपाउंड है ए बी टाइप का, ठीक है, और जब इसको आप प्रोसीड कराओगे, रिएक्ट करवाओगे या हीट करवाओगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या देगा, ए अलग देगा और बी अलग से देगा। मतलब एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है, उसको हीट किया तो उस कंडीशन में क्या मिला, वो ए में डिसोसिएट हो गया और बी में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जो पिछली रिएक्शन की थी वो क्या थी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या लिखा था, देखो अभी लिख रहा हूं फिर से, ए प्लस बी, इसने क्या दिया था, ए बी दिया था, और यहां पर हमने क्या किया है, ए बी को किसके अंदर चेंज किया, ए प्लस बी में। तो क्या पता लगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है, ठीक है, समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमें स्टडी कर ली। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम अब आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो, वर्ड में कुछ समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वैसे फिजिक्स के टर्म में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, या दो आपके जो प्लेसेस हैं उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
और जब केमिस्ट्री की टर्म में डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है कि एक जो कंपाउंड है वो हाईली रिएक्टिव होगा और वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव कंपाउंड को उसकी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो समझना है डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड या एलिमेंट एक रिएक्शन मिक्सचर में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, याद रखना है। तो अभी लिखते हैं थर्ड के, तो थर्ड रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था कि आपका एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये क्या बता दिया कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। या दूसरी टर्म में आप क्या बता सकते हो कि खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या भी लिख सकते हो और लगाकर, या आप ये डेफिनेशन लिख दो, या इसकी जगह पर आप सिंपली क्या भी लिख सकते हो यहां कि अ रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट कम्स एट द प्लेस of less reactive element is called displacement reaction। ठीक है, तो इस वे में हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं displacement reaction की में। तो अब यहां पर मैं एक general reaction represent करूंगा। तो general reaction में देखो आप क्या लिख सकते हो, मान लो हमारा कोई कंपाउंड है ए बी टाइप का। ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसका एक सॉल्यूशन हमने लिया और उसकी रिएक्शन हम एक सी टाइप के एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस के साथ करवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, कि हमारा सी क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से, एलिमेंट होने की वजह से, आपके ए बी में से किसी एक एलिमेंट को क्या कर देगा, आपका डिस्प्लेस कर देगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए सी प्लस बी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका ए बी टाइप का हमने एग्जाम्पल कौन सा ले रखा है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आप आपके एनसीईआरटी बुक्स में या डिफरेंट जगह पर इस एक्टिविटी को देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ यहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट में अभी क्या बताना है हमें कि एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके रिएक्शन मिक्सचर में से क्या करना है, डिस्प्लेस करवाना है। तो आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, देखो एक आपके लैब में एक्टिविटी बताई जाती है जिसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर हम क्या लें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर हम क्या डिप करते हैं, आयरन नेल्स डिप करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो आयरन है वो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से, जिससे किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, आपके कॉपर से। ठीक है, तो जो आयरन है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो क्या करेगा, आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वो क्या बना लेता है वहां पर, FeSO4। ठीक है, प्लस कॉपर को उसके सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आपका क्या बनता है, स्टार्टिंग में ये जो आपका कलर होता है CuSO4 का, ठीक है, ये कैसा होता है,
ब्लू होता है इसका कलर, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन होता है कैसा था, ब्लू। लेकिन जब इसके अंदर हम आयरन नेल्स को डिप करते हैं तो उस कंडीशन में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद में उसके कलर को कैसे में चेंज कर देता है, आपके ग्रीनिश कलर के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ऐसे काम होता है, ठीक है, कि क्या किया, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो यही लिखी थी ये डेफिनेशन, देखो कि क्या है, कि अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कम्स एट द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो कॉपर क्या है, आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, आयरन अब की बार कॉपर की जगह पर आ जाएगा और उसको उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है, जो इसके साथ लगा हुआ था SO4 के साथ में, उसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो ये आपकी रिएक्शन है। सेम इसी वे में ही आप यही रिएक्शन आप किसके साथ बता सकते हो, कि अगर हम आयरन की बजाय क्या ले लें, आपका मैग्नीशियम ले लिया जाए, या हम क्या ले लें उसकी जगह पर जिंक मेटल, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी सेम ही रिएक्शन होगी। आपके एग्जांपल्स कितने हो जाएंगे, 3। केवल आपको क्या चेंज करना है, आयरन की बजाय हम क्या भी चेंज कर सकते हैं इसके जगह पर, अगर हम क्या लगा दें यहां पर, आपका मैग्नीशियम लगा दें, या और क्या लगा सकते हैं, जिंक। तो अगर मैं यहां पर आयरन की जगह पर मैग्नीशियम और जिंक भी ले लेता हूं, तो भी आपकी रिएक्शन कैसी जाएगी, सेम इसी वे में, हम केवल क्या चेंज कर देंगे, यहां पर कॉपर की जगह पर मैग्नीशियम लग जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा फिर, आपका MgSO4, और अगर जिंक मेटल यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपली क्या हुआ, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अब हम लेते हैं अपनी फोर्थ जो रिएक्शन थी, वो क्या थी, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो, नाम सजेस्ट कर रहा है डबल, ठीक है, तो डबल अगर होगा और साथ में हमने क्या लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, चेंजमेंट। तो पिछले रिएक्शन में देखो हमने क्या किया था, एक बार रिएक्शन को मैं फिर से यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, तो रिएक्शन मैंने क्या लिखी थी, यहां पर आपकी कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4 प्लस Fe, और उसने क्या बनाया था, FeSO4 प्लस कॉपर। तो अगर ये रिएक्शन लिखी थी, तो यहां पर देखो क्या हुआ था, कि एक ही एलिमेंट ऐसा था जिसने दूसरे को क्या किया था, उसकी जगह से डिस्प्लेस किया था, ठीक है। और अगर मैंने यहां पर डबल लगा दिया, तो डबल का मतलब क्या होगा, कि अब की बार जो हम रिएक्शन लेंगे वहां पर क्या होंगे, दो दो आपके एलिमेंट्स का, ग्रुप्स का क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहां पर, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए पहले एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन में देखो, मैं ये कर दूं कि ए बी प्लस सी डी, ठीक है, कि मान लो हमारे पास में ये दो टाइप के कंपाउंड है, कि एक तो ए बी टाइप का कंपाउंड है और एक है सी डी टाइप का कंपाउंड, और अगर इन दोनों के बीच में क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कि यहां पर ए के साथ क्या लग सकता है, आपका सी लग सकता है, बी के साथ क्या लग सकता है, डी, और वो आपका टोटली डिपेंड करता है एलिमेंट्स के या उन ग्रुप्स के रिएक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ है, कि ए के साथ क्या आ गया सी, बी के साथ क्या आ गया डी, तो अब की बार अकेला एक ग्रुप डिस्प्लेस नहीं हो रहा, ठीक है, कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, अपनी जगह से चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या बताते हैं जनरली, इसको डिफाइन करने के लिए, कि आपके जो ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो आप ये सॉल्यूशन लेते हो, जनरली उनके अंदर आपको क्या मिलते हैं, उन एलिमेंट्स के, उन ग्रुप्स के क्या मिलते हैं, आपको आयंस मिलते हैं, और उन आयंस का क्या होता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक है। याद रखना है कि ये जो आपके ग्रुप्स हैं, उनका क्या होगा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा, वो भी किस फॉर्म में, उनकी आयनिक फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो ये कॉपर सल्फेट है, ये किस कैसे एडजस्ट करता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी रिएक्शन होती है, और जो आयरन है आपका, ये आपका चेंज होता है किसके अंदर, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप में, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है यहाँ पर। तो अभी आयंस को हमें याद रखना है अभी के लिए, कि अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर क्या होंगे, आपके आयंस एक्सचेंज होंगे,
ठीक है, तो उसके डेफिनेशन लिख लेते हैं अभी डबल डिस्प्लेसमेंट की। वो क्या होगी? अ रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ठीक है, कि आपकी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके आयंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रोसीड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या होगा, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखो अभी यहां पर अभी आपको देखने में लग रहा होगी अ रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, तो अभी ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें क्या हल्की सी कमी आपको दिखाई देगी। ठीक है, आयंस हैं, आयंस आपके यहां पर भी बनते हैं, तो यहां पर क्या लिखोगे, आयंस ऑफ बोथ द कंपाउंड्स। अगर इसको हमें कंप्लीट करना है तो जो हमारे पास में जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस है यहां पर, ये कंपाउंड्स हैं, इनके आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस ऑफ बोथ द कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होगा, आपके जो दोनों कंपाउंड्स हैं उनके आयंस का क्या करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट करोगे। तो अब ये जो आपकी स्टेटमेंट बनी है क्या होगी, आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल देखना है इसको अच्छे से समझने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो अगर मैं आपको क्या दे दूं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दे देता हूं। ठीक है, और अगर आप उस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपका नमक ऐड कर देते हो, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्ट का NaCl, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप NaCl को डालोगे तो वहां पर आपको क्या मिलता है, AgCl के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं और आपका सोडियम नाइट्रेट आपका क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो सिंपली क्या है कि ये आपका जो कंपाउंड है AgNO3, ये आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, कि मानो सिंपली क्या बोला जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम क्या ऐड कर दें, सोल्ट को ऐड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपके AgCl के क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। और वो प्रेसिपिटेट्स कैसे होते हैं, आपके वाइट कलर के, वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कि वो सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएगा और साथ में क्या किसका सॉल्यूशन बनेगा, आपका सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट, और याद रखो ये पीपीटी जो लिखा है आपने 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा, पीपीटी किसके लिए एब्रिवेशन यूज किया जाता है, आपका प्रेसिपिटेट के लिए। ठीक है, तो आपकी बुक में ये टर्म आपको कई बार देखने को मिलती है। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसी वे में आपके और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आपके बुक्स में गिवन होंगे, आप उनके साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आपको वैसे ही समझ में आ ही गया होगा, देखो यहां पर किसका चेंजमेंट हुआ है, Ag के साथ क्या आ गया, Cl, ठीक है, और NO3 के साथ क्या लग गया, आपका Na। तो दोनों के आयंस क्या हुए, म्यूचुअली आपके एक्सचेंज हुए, और इसी म्यूचुअल एक्सचेंज को अगर आपका ये प्रोसीड होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देंगे। तो इसके साथ ही जो आपकी बेसिक्स चार टाइप हैं रिएक्शंस की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोरोजन, रेंसिडिटी और आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन बनती हैं, ठीक है, जो अब तक हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उनके अंदर आपके कुछ टर्म्स आती हैं बुक्स के अंदर, ठीक है, वो होंगी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू।